हे एवरीवन, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, इससे पहले हमने जेके के बर्थडे लाइव में देखा था कि जिन ने कैसे जेके के साथ मस्ती की थी। जिन जेके के घर से जाने को तैयारी नहीं हो रही थी, पर फाइनली जिन चले गए। तो अब हम जेके की सोलो लाइव देखने वाले थे। जेके की लाइव शायद आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, क्योंकि जेके भी नशे में है। तो शुरू करें। यहाँ जेके कह रहे हैं, इसकी सुंदरता कहाँ चली गई? आप हैरान हो गए ना? मैंने ये सोचा नहीं था, पर वो आया, मतलब जिन आया, तो मुझे ये सब करना पड़ा। मैं कैंडल को अच्छे से सजाना चाहता था और कटिंग सेरेमनी करना चाहता था। ये कुकीज़ और क्रीम है जो मुझे बहुत पसंद है। जिन, यहाँ आने के लिए थैंक यू, और इस ग्रेप्स के लिए भी थैंक यू। ये अच्छा है, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। ओह, ये यहाँ क्यों है? मतलब बियर की खाली बोतल। मेरे बाल बहुत लंबे हो गए हैं, तो मैंने यहाँ हेयर पिन लगाई है। मैंने इसे होम डिलीवरी कराई थी। अगर मैं हेयर पिन लगाता हूँ तो बाल फूलते नहीं है, मतलब बाहर नहीं आते, जो अच्छा है। मेरे बाल बहुत बढ़ गए हैं, है ना? तुम मुझे देख रहे हो ना? ये ज्यादा पीछे तो नहीं हो रहा? हाँ, इतनी गर्मी क्यों हो रही है? मैंने अभी अपना डिनर नहीं किया है, और लाइव के लिए मैं इतना एक्साइटेड था, इसलिए मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। शायद मैंने ब्रेकफास्ट किया था, पर डिनर नहीं किया। मैंने ब्रेकफास्ट में सूप पिया था। एनीवे, मुझे बर्थडे विश करने के लिए थैंक यू। मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, पर तुम हमेशा मेरे लिए बहुत कुछ करते हो। थैंक यू। तुम हमेशा ही मेरे बर्थडे पर बहुत कुछ करते हो। इट्स क्रेजी। तुमने बहुत सारे इवेंट किए, कॉफ़ी शॉप, होल्डिंग, बिलबोर्ड, सबवे, और विदेशों में भी कई इवेंट किए गए। मैंने सब देखे थे। मुझे एक बार फिर इसका एहसास हुआ कि तुम मुझे कितना पसंद करते हो। एक बार फिर से थैंक यू सो मच। मैं वास्तव में वहाँ जाना चाहता था, मतलब उन इवेंट में, पर मैं नहीं जा पाया। मैं कोई सीन नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मैंने सिर्फ वीडियो और फोटोज़ देखी। हालांकि मैं उन इवेंट में सच में जाना चाहता था। मैंने मिस्टर किम योंग की वीडियो देखी। वो दो जगह गए थे। दो जगह मतलब दो इवेंट जो जेके के लिए हुए थे। मैंने उन्हें ब्लड स्वेट टीयर्स गाते देखा, और आर्मी के साथ बात करते हुए भी। थैंक यू सो मच ब्रदर। ओह, इतनी गर्मी क्यों हो रही है? जिनके यहाँ आने के बाद टेम्परेचर इतना बढ़ कैसे गया, जबकि मैंने एसी भी ऑन किया है। मैंने सुना कि तुमने मेरे बर्थडे के लिए क्या तैयारी की थी। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरे पास कई सारे बॉडी होती तो मैं हर एक जगह पर जाता। सॉरी, एनीवे थैंक यू सो मच। आज एक हैप्पी दिन था। थैंक्स टू यू। और मैं अपने मम्मी पापा को भी थैंक यू कहना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस दुनिया में बनाया। थैंक यू मॉम डैड। मैंने यहाँ कुछ लिखा है। हाँ, मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन केक, वो रिवील हो गया था ना। मैं इन दिनों नीले रंग में, हल्का बैगनी, हल्का नीला, आसमानी, मुझे यही रंग अच्छे लग रहे हैं। इसलिए मैं चाहता था कि एक बहुत ही सुंदर केक बनाऊं, लेकिन मैं वैसे ही क्वालिटी नहीं ला पाया जो मैंने सोची थी। इसलिए मैं थोड़ा सा निराश हो गया था, लेकिन मुझे वो कलर बहुत पसंद आए। ये अच्छा है। मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ? ये डिलीशियस है।
मैं कुछ ट्राई करता हूँ। इसके पैर को बैंगनी बना दूँ? मैं श्योर नहीं हूँ कि ये क्रीम है या क्या है। मैं ऐसे नहीं काटूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर गंदगी नहीं करनी है। मैं बस टेस्ट करूंगा। ये सच में अच्छा है? किसने बनाया इसको? उन्हें कैसे पता कि मुझे क्या पसंद है? मुझे ऐसा केक ही पसंद है जिसके चारों ओर बहुत सारी मोटी क्रीम लगी हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये क्रीम है, ये शायद क्रीम चीज का मिक्सचर है। रुको जरा, मुझे इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट करने दो, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। जितना सोचा था ये उससे ज़्यादा ही ब्राइट हो गया। ये मेरा बर्थडे लाइव है इसलिए मैं इसे आधी रात तक करूँगा। मुझे कमेंट पढ़ना इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? हाँ, बाद में मैं कुछ गाना गाऊंगा। और जेके फिर अपनी फोटो बुक दिखा रहे हैं। मुझे ये दिखानी चाहिए? तुम इसे अभी नहीं देख सकते। ओह माय लिटिल ब्रदर, मेरे लोगों ने ये पहले से ही देख लिया है ना? तुम लोगों को मैंने दिखाई थी ना ये? जेके कह रहे हैं मैंने बाकी मेंबर्स के भी देखे हैं। इसके बीच में कुछ है पर मैं नहीं बताऊंगा। हमें पता है जेके, इसके बीच में फोटो कार्ड है। आज इतनी गर्मी की हो रही है, मुझे इतना एम्बैरेसिंग लग रहा है। जेके गए रिमोट कंट्रोल ढूंढने। हाँ तो मैं कह रहा था कि मेरी फोटो बुक का कॉन्सेप्ट डिसाइड करना बहुत मुश्किल था। एनीवे आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। मैं बस यही सोच सकता था। इट्स ओके जेके, हमें वो वैम्पायर वाली थीम अच्छी लगी थी। आई मिस यू टू। आज मैंने क्या किया? आज मैं बहुत सोया। मैं आमतौर पर अपना बर्थडे आर्मी के साथ मनाता था, ज़्यादा नहीं लेकिन मैं हमेशा आर्मी के पास जाता था। पर इस बार मैं बस सोता रहा घर पे। ये थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा अटपटा सा। ये मेरे बर्थडे की तरह नहीं लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊँ। मैं नहीं कह रहा कि ये बुरा है, मैं खुश हूँ। ये हेयर पिन मुझ पर अच्छी लग रही है ना? बताओ। नहीं, ओह सॉरी, किसी ने कमेंट में लिखा अभी 11 बज रहे हैं, एक घंटा और बचा है। तो जेके कह रहे हैं मैं आज बेवकूफ़ नहीं बनूंगा, मैं आधी रात को ही इस लाइव को बंद कर दूंगा क्योंकि ये मेरी बर्थडे लाइव है। ओह मैं ये कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो किसने कहा था इतनी ड्रिंक करने को? सॉरी, मेरी आंखें धुंधली हो रही है। चलो मुझे गाने दो। मुझे क्या गाना चाहिए? मैंने आजकल काफ़ी दिनों से गाने नहीं सुने हैं तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या गाऊं। ईमानदारी से कहूं तो मैं सिर्फ ये टाइम इंजॉय करना चाहता था। मैं इस वाइब को इंजॉय करना चाहता था, ना कम ना ज़्यादा। लेकिन जब से आर्मी ने इतनी कुछ प्रिपेयर कर दिया, इतने इवेंट तैयार किए, तो मैं इसके बारे में बात करना चाहता था, इसलिए मैं लाइव पर आया। मैं बस शांत रहना चाहता हूँ। अच्छा होता अगर मैं तुम्हें देख पाता। एक तो पहले से ही इतनी पी है, ऊपर से फिर बियर। ओह क्या करूँ मैं इस लड़के का। मैं रेमन खाना चाहता हूँ, मैं रेमन बनाना और खाना चाहता हूँ। मुझे रेमन खाने का पता नहीं इतना मन क्यों कर रहा है। मैंने अपनी बॉडी चेकअप कराया था, मैंने अपने यूरिन मतलब टॉयलेट का भी टेस्ट कराया था
मुझे पता चला कि आटा खाना मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, ग्लूटेन मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो मैं रैमन नहीं खा सकता, पर मुझे रैमन खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं सिर्फ एक पैकेट रैमन बनाऊं? नहीं ना, ये सही नहीं हुआ ना। मैंने बहुत सारे रैमन खरीद लिए। मुझे भेस बदलकर इवेंट में जाना चाहिए था और फैन बनने की एक्टिंग करनी चाहिए थी। इस पर एक आर्मी ने कमेंट किया कि आर्मी तुम्हें पहचान लेती। मुझे की रिप्लाई कर रहे हैं कि अगर मैं एक ब्लॉन्ड विग पहन लेता तो तुम्हें लगता है कि लोग मुझे पहचान लेते? जैसे मैं रोज कपड़े पहनता हूँ उससे हटकर पहनता तब भी। जेके फिर से अपनी फोटो एल्बम देखने लग गए। क्या मुझे तुम्हें एक फोटो दिखानी चाहिए? इसके अंदर बहुत सारे फोटो कार्ड हैं, बहुत सारे। ओह, ये क्या है? इसमें कुछ और भी है। मुझे अपनी ये वाली फोटो बहुत पसंद है। ओह, इसमें केक लग गया। देखो, मुझे अपनी ये वाली फोटो सबसे ज्यादा पसंद है, ये वाली। ये अच्छी लग रही है ना? है ना? मेरे जैसी नहीं लग रही है, पर मुझे ये फोटो बहुत पसंद है। सेक्सी, फॉक्सी। मुझे कुछ खाना है। मैं सच में रैमन खाना चाहता हूँ। कोई सॉन्ग जो तुम सुनना चाहते हो? मुझे कोई नहीं मिल रहा है गाने के लिए। बाकी दिन के मुकाबले आज मेरी एनर्जी अलग है, आज मेरी एनर्जी लो है। हाँ, होगी ही, इतनी पी जो है। ऐसे ही रहना चाहिए क्या? मुझे बस कुछ नहीं करना चाहिए? मुझे ऐसे ही रहना अच्छा लगेगा। क्या मुझे जस्ट वन डे गाना चाहिए? फिर इसके बाद 15-20 मिनट तक जेके ने बहुत सारे गाने गाए और पुअर कनेक्शन की वजह से लाइव बीच में ही बंद हो गई। हालांकि बाद में जेके फिर से लाइव आए लगभग आधे घंटे के लिए। आगे का पार्ट देखना है या नहीं वो कमेंट में बता देना। अगर 300 लाइक आए तो मैं इसका लास्ट पार्ट भी बनाऊंगी, नहीं तो यहाँ तक ही। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं। बाय बाय।